ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महाबलज्ञाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशकृपाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्या विहीनापराध रक्षै कीर्तिकासिकामादि तरंग मध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दन्मस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम बल गुरु पाद पद्म विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्रीरो सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म वितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति विदार्थ श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रवण करेंगे भगवत नाम को कैसे करने चाहिए। नाम तो कहते हैं लेकिन जो नाम का जो फल है वो फल हम नहीं मिलता। पर ये हरिनाम कैसे करनी चाहिए तब ये हरिनाम हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करेगी। इसलिए कहते हैं हरिनाम करने के लिए 10 तरह का नामापराध है। ये नामापराध को त्याग करके हरिनाम करना पड़ेगा तभी ये हरिनाम हमें पूर्ण फल प्रदान करेगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बल अपराध जानिया जे वर्जनी उदासी नाम कृपा नाही पाए सही अर्पाची। कहते नाम अपराध को तो जानते हैं लेकिन ये जानने पर भी उसको त्याग करने के लिए उदासी उसको त्याग करना चाहते हैं उसमें बड़ी उदासी है। तब कहते नाम कृपा नाही पाए सही अर्पाची। कहते नाम करने का जो असली जो कृपा जो फल है कहते उसको नहीं मिलता है। कहते वो कौन है अर्पाचीन अर्पाचीन मतलब करे जो नाम अपराध जान करके भी वो अपराध से जो दूर होना नहीं चाहता है। ये 10 तरह का नाम अपराध बताए आज मैं सुनाऊंगा कल आपको सुनाना पड़ेगा। अच्छे तरह से सुनिए जैसे कल मेरे को बोल सकते हम दोनों को देखेंगे कौन बोल पाता है। ठीक है पहला नंबर जो अपराध है कहते साधुओं को निंदा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ये अपराध साधुओं को निंदा नहीं करनी चाहिए। कहते उसमें जो तीसरा अपराध है उसको बताया गुरु अवज्ञा। तो गुरु जी को अवज्ञा नहीं करनी चाहिए लेकिन यहाँ प्रश्न होता है भक्ति जगत में जो गुरु एक गुरु है कहते जैसे हमारे पीठ में रीढ़ है इसलिए हम बैठ जाते हैं।
कि उसी तरह जिसको जितनी गुरु निष्ठा है, भले गुरु पाद पद में जा रहे भक्ति निष्ठा, अगर जिसको जितने गुरु जी के चरण में निष्ठा होना, तो वो व्यक्ति भक्ति जगत पर उतना ही बढ़ पाता है। कहते गुरु जी के प्रति जिसकी निष्ठा नहीं, साधारण मनुष्य ज्ञान करता है, हम जैसे गुरु जैसे, कहते जल धनु रक्षत, जैसे एक बंध्या गया गाय जो दूध नहीं देता है, अगर उसको दिन भर खाना खिलाओ तो क्या होगा, वो तो दूध ही नहीं देगा, वो तो दूध नहीं देगा, उसको खिलाने पिलाने जैसे बेकार है, कहते हमारी भक्ति जैसे बेकार हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न होता है, फिर गुरु जी का भक्त तो सर्वश्रेष्ठ है, बोले पहले करिए गुरु अब क्या क्यों नहीं है, पहले ये साधु निंदा क्यों बताया, जैसे कारण बताए, बोले स्वाभाविक रूप में हमारी गुरु जी का प्रति गौरव बुद्ध रहता है, ये कौन है हमारी गुरु जी है, नहीं गुरु जी का अपमान नहीं करनी चाहिए, गुरु जी की निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरु जी को हमें सम्मान देनी चाहिए, ये स्वाभाविक रूप में भक्त जीव में रहता है। लेकिन जो साधु है ना, कभी उसको प्रति हमारी सम्मान नहीं रहता है, साधु का प्रति सम्मान नहीं रहता है, हैं? अरे इतने कितने साधु बनते हैं हमारे गुरु जी, मत गुरु जगत गुरु, मतनाथ जगतनाथ हैं, लेकिन साधु का प्रति अनादर हो जाता है, कभी नहीं, इसलिए हरि गुरु वैष्णव ये तीनों को स्मरण करनी चाहिए, हरि गुरु वैष्णव, जो वैष्णव है वो भी गुरु है, जैसे हमारे गुरुदेव उदाहरण दे देते, जैसे आपका गुरुदेव कौन है, श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी हैं, कहते मेरे गुरु कौन है, श्रील भक्ति स्वरूप श्रील सिद्धार्थी गोस्वामी महाराज, अब मेरे लिए तो मेरे गुरुदेव गुरुदेव, आपके लिए आपका गुरुदेव भी गुरुदेव है, लेकिन मेरे लिए आपका गुरुदेव क्या लगते हैं, वैष्णव, आपके लिए मेरे गुरुदेव क्या लगते हैं, वैष्णव, लेकिन आपके लिए आपका गुरुदेव क्या लगते हैं, गुरु, मेरे लिए मेरे गुरुदेव क्या लगता है, गुरु, क्या जब मेरे गुरु वो क्या आपका मेरे गुरु नहीं है, जो आपका गुरु फिर क्या मेरे लिए वो गुरु नहीं है, क्या केवल आपके लिए गुरु मेरे लिए गुरु नहीं, नहीं, कहते जी गुरुपाद वर्ग में वो श्री नित्यानंद प्रभु अभिन्न विग्रह, नित्यानंद प्रभु का अखंड प्रकाश बोले श्री गुरुपाद पद्म, इसलिए सर्वप्रथम यहाँ पर बोले किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव परायण, बोले भगवान स्वयं कहते साधव हृदय मुह्यम साधु नाम हृदय दुहम, मद अन्यते ना जानते ना अहम तुम बना कर, मतलब क्या, बोले साधु का हृदय में मैं रहता हूँ और मेरे हृदय में साधु रहते, साधु मेरे को छोड़कर कुछ नहीं जाता, मैं भी साधु का छोड़कर कुछ नहीं जाता, इसलिए कहते बस तो बंद माम भक्त्या सत्पत्नी सत्पति जथा, जैसे एक पति प्रता नारी अपना पति प्रता धर्मों को द्वारा पति को बसीभूत कर लेता है, उसी तरह मेरे भक्त मेरे भक्ति करते 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 मेरे गुरु ये भक्ति द्वारा बसीभूत कर लेते हैं, मैं उनको संपूर्ण भक्ति में वसुता स्वीकार करता हूँ, इसलिए पहला अपराध कौन है, साधु निंदा, साधु निंदा, भगवान कहते हैं अगर मेरे ये हाथ अगर कभी साधु का विरोध हो जाएगा ना, मैं अपना हाथ को भी मैं रक्षा नहीं करूँगा, हाथ को भी मैं काट दूंगा, भगवान को भी कहते हैं ऐसे साधु को भगवान प्रेम करते हैं। और दूसरी बात है कहते साधु करते ही क्या, कहते एक तो मेरी भक्ति करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, मेरे नाम को मेरे रूप को मेरे गुण को मेरे लीला को ये विश्व ब्रह्मांड में प्रचार करते हैं, अगर साधु नहीं होते हैं ना मेरे को तो कोई नहीं पहचान, अगर भक्त नहीं हो तो भगवान को भी जानते, भक्त लोग क्या करते हैं भगवान के नाम को गुण को लीला को जगत में प्रकाश करते हैं, जगत में है साधु है तो भगवान है, भगवान है तभी साधु है,
अगर साधु नहीं हो तो मेरे दुनिया में जानते नहीं कोई। भगवान तो दुनिया में जाकर बोले भी नहीं, मेरे भजन करो, मेरे भजन करो, मेरी कथा में ऐसे थोड़ी ठाकुर जी बोले। उसको कौन बोलते हैं? साधु बोलते हैं। दिन भर भगवान की जस महिमा गुण कीर्ति दिन भर करते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो साधु सारा दुनिया में मेरे नाम, मेरे भक्ति, मेरी भक्ति को प्रचार करता है, फिर उसका निंदा में कैसे सहन कर सकता हूँ? इसलिए मैं निंदा सहन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना मार को भी उन्होंने माफ किया, माफ को भी दंड दिया। गोपाल चापल का कुष्ठ व्याधि हो गया, सारा शरीर उसकी कुष्ठ व्याधि हो गई, सारा शरीर में फूल हो फूल हो गया सारा शरीर में, बड़ा कष्ट उन्होंने उठाया। इसलिए कहते भैया साधु सावधान, साधु महाप्रसाद जी गोविंद नाम ब्रह्मणे वैष्णव, यहाँ वैष्णव का नाम आता है। सल्प पुण्य बतन राजर विश्वास नहीं हो जाते, जिनका कम पुण्यवान व्यक्ति ये नाम ब्रह्मण वैष्णव महाप्रसाद और भगवान में इनकी विश्वास नहीं होता है। जो बड़े पुण्यात्मा होते हैं, बड़े सौभाग्यशाली, जन्म जन्मांतर जिनकी भक्ति उनको की सुकृति है, वही लोग ही वैष्णव की महिमा को ही जान सकते हैं, सब नहीं जान सकते हैं। इसलिए पहला नंबर उपदेश है क्या? साधु निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए भागवत ने बताए, देखो कैसे साधु निंदा है। जब से सौभर ऋषि काल्या हृदय में तपस्या कर रहा था, करते समय एक समय एक गरुड़ आया और एक मछली पकड़ के खा लिया तो इतने में उसमें मछली रहता था पानी में, और उसमें सब मछली रहते थे। जब एक मछली को उठाकर खा लिया, उसको बीवी बच्चे भी है, वो लोग दुखी हो गए। अब दुखी उनका दुख देख करके सौभर के हृदय में दया की भावना आई, और उन्होंने गरुड़ जी को अभिशाप दिया। बोले मैं तेरे को अभिशाप देता हूँ, अगर अब पुनः तुम यहाँ पर आओगे और मांस खाओगे ना, तेरे शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा, तेरा शरीर कट जाएगा। तब से गरुड़ वहां पर आना छोड़ दिया। बोले गरुड़ तो भगवान की भक्त है, फिर ये मछली क्यों खाते? कहते हैं जो कर्म है ना, कहते ये कर्म लगता है किसको? कहते जो इंसान जो कर्म करता है, इंसान जो कर्म करता है उसका कर्म फल भोगना पड़ता है, उसको कर्म फल को भोगना पड़ता है जन्म जन्मांतर। लेकिन जैसे एक शेर एक जानवर खाता है, बाघ खाता है, उसको उनको कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि उसका ये आहार है, उसका कोई आहार, उसको कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। केवल इंसान जो कर्म करता है उसको ये फल उसको भोगना पड़ता है। ये गौरव जी का आहारी मछली है, तो मछली है उसको पाप नहीं लग गया, ये एक कारण। दूसरा कारण, मछली ये जन्म जन्मांतर कर्म फल का चक्कर में भटक रहे हैं। जब गरुड़ जी वो मछली खाते हैं क्या होता है? उसका एक जन्म उसको संमुक्ति मिल गई, उसको एक जन्म से उसकी मुक्ति मिल गई। अरे वही भगवान भक्त तो कोई खाता है उसका कल्याण है, वो भगवान की बाहर है। इसलिए अभी इनके हृदय में सात्वी की दया आई, इनके हृदय में सात्वी की दया आई, और दया करते हुए उन्होंने क्या किया? गरुड़ जी को उन्होंने अभिशाप दिया। गरुड़ भगवान की बाहर, भगवान की भक्त अभिशाप दिया, तो क्या हुआ? अभी ये पानी में बैठी करके तपस्या जो कर रहा था, कितना साल तपस्या किया? 10,000 साल उसने तपस्या किया पानी में, मतलब बैठ करके इतना साल फिर तपस्या किया। एक दिन उसने देखा दो मछली आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं, अपना मिल रहे, आनंद ले रहे हैं। अभी उनकी आनंद को देख करके ना इसका हृदय में भी आनंद लेना की इच्छा, ये तो बड़ा मजा ले रहे हैं, ये तो बड़े आनंद ले रहे, मजा ले रहे हैं। भैया जो मछली स्त्री पुरुष मछली आनंद ले रहे, मैं क्यों आनंद नहीं ले सकता? इसके हृदय में संसार की कामना जगी, कामना जगी तो उसने क्या किया? गया भले शादी कर दी जाए, मैं तो बेकार यहाँ पर पानी में बैठ कर कब तपस्या कर रहा हूँ, शादी करनी चाहिए। तो उसने माधाता के पास में गया, उसकी 50 लड़कियाँ थी,
भले फिर भी एक लड़की तो शादी करता माता ने इसको देख कर तपस्या कर रहा था पानी में हाथी हाथी था भले इसको कौन हमारी लड़की पसंद करेगा कोई तो पसंद नहीं करेगा उसको इसमें शरीर में हड्डी आ गई है अरे देखो उनको उपेक्षा करने के लिए बताया देखो हमारी राजाओं में एक धर्म है एक स्वयं पर सभा होता है स्वयं पर सभा में लड़की अपने आप अपना पति को खुद चुनती है उसका पति कौन बनेगा इसलिए आपको मैं बेटी नहीं दे सकता हूँ वो भी समझ गए ओ मेरे ये रूप को देख करके ये पसंद नहीं कर रहा है वो तपस्या क्या ना योगी है उसने अपना योग बल से इतने सुंदर रूप उन्होंने धारण किया जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर गया है कोई गंधर्व जैसे उतर करके स्वर्ग से आ गया इतने सुंदर बन गया अभी 50 लड़कियों के लड़ाई सफल हो गया एक ने कहा मैं इसको शादी करूंगी किसी ने कहा तू सोचने से पहले मैंने सोच लिया किसी ने कहा तेरे से पहले मैंने सोच लिया ये मेरी पत्नी अभी तो लड़कियों में तो झगड़ा हो गया देखो कितने योग शक्ति उसने 50 रूप धारण किया 50 रूप धारण करते हुए 50 राजमहल बनाया और उन्होंने एक एक लड़की को अलग अलग महल में लेकर के रहा एक दिन मांधाता वहां पर गया देखने के लिए ये मेरी 50-50 लड़कियों को लेकर ही करता है क्या जब उसको घर में गया लड़कियों से पूछा तुम कैसे हो बोले पिताजी हम तो बहुत खुश हैं ये जो योगी ना दिन भर हमारे साथ में रहता है वो कहीं नहीं जाता और मांधाता बहुत बड़े राजा थे लेकिन उसको पास में जो राज ऐश्वर्य जो भोग करने वाले वस्तु नहीं था ठीक है उसको पास में हर घर घर में हर बेटियों के पास में गया हर बेटी एक ही बात बताया पिताजी हम तो बहुत खुश हुए ये तो हमारे पास में दिन भर रहता है बड़ा प्रेम करता है और हम लोग ने आपका हाँ अपना पियर में रह करके जो राज भोग नहीं कर पाए पिताजी तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या ठाट बाट है मानता था देख देख कर हैरान हो गया सौ भर ऋषि की ऐश्वर्य देख करके हाँ देखो यहाँ प्रश्न होता है वो तो अच्छा ही हुआ राजकुमारी को शादी कर लिया और इतने सुंदर राजमहल बनाया और बड़े आनंद में विषय भोग कर रहा है उसमें बुरा क्या हुआ ये तो अच्छा ही हुआ ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ बताओ हाँ बताओ 50 लड़कियों को साथ राजकुमारी के साथ में 50 महल बना करके अद्भुत राजमहल है रह रहे हैं तो बुरा ही क्या वो तो अच्छा ही किया है अच्छा हुआ ना लेकिन लास्ट में ये विषय भोग करते करते 50-50 लड़कियों के साथ रह रहा है लेकिन भोग करते 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 ना उसका हृदय में तृप्ति नहीं जैसे आग में घी डालो क्या होता है आग धधकती है आग धधकती है उसी तरह वो विषय भोग करते करते उसके हृदय में कोई तृप्ति नहीं आ रही हृदय में चैन नहीं आ रहा था फिर विषय भोग करने का फिर विषय भोग करने का उसको इच्छा धीर प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रहा था फिर लास्ट में सोचा है रे कहा मैंने तपस्या कर रहा था मैं तपस्या कर रहा था भगवत आराधना कर रहा था और आराधना करके मैंने जो शक्ति प्राप्त की थी जो दिव्य शक्ति है वो दिव्य शक्ति को कहा भगवान की भक्ति में भगवान की भजन में देनी चाहिए ब्रह्म ज्ञान को लेकिन मैंने क्या किया ये तुच्छ संसार का विषय में अपना भोग लगा दिया तुच्छ विषय भोग में है तुच्छ ये विषय भोग में लगा दिया लेकिन जो भगवत पूजा जो आनंद है भगवत भक्ति में जो आनंद है ना कहते भैया वो आनंद कहीं भी नहीं वो आनंद बोले कोटि ब्रह्मानंद नहीं तार एक बिंदु कहते करोड़ों ब्रह्मानंद मिलकर भी कृष्ण भक्ति रस का एक बूंद को सामने में बराबर नहीं कर सकते कृष्ण भजन में जो आनंद जो मस्ती उसमें जो रस है वो रस और कहीं नहीं उसने बोले धिकार दिया कहा मैंने ये ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्म आनंद कहा तुच्छ आनंद ये विषय भोग करते हुए जीवन को बर्बाद कर दिया लास्ट में उसने सब कुछ परित्याग किया परित्याग करते हुए क्या किया उसने फिर आकर के पुनः प्रभु की भक्ति में लगी यहाँ पर ये शिक्षा देते हैं
फिर अगर भैया कभी वैष्णव अपराध हुआ ना, कभी वैष्णव चरण अपराध हो, उसका दंड क्या? संसार। संसार ऐसे एक स्थान है, हाँ? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ग्रसित आतप बात बरीसन एली न जामिनी जागिरे, विफल से दिनो कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागिरे, भजहु रे मना जिनंदन नंदन अभय चरण रविंद रे। ये भक्त दास कह रहे हैं, कहते मान तू कौन सा किस सुख पीछे लग पड़ा तुमने, बोले सीत, सीत मतलब ठंडा, आत्म मतलब गरीब, बात बरीसर आंधी तूफान बारिश है, एक दिन जाम ने दिन और रात जब तक क्या किया, दिन जाम ने जागिरे विफल से बिनो कृपण दुर्जन, मैंने क्या किया, ये सारे इतना कष्ट करके ये माया की संसार में है, ये बहुत दुनिया में मैंने ये सारे एनर्जी को हम उसमें लगा दिया, बोले चपल सुख लभ लागी। कहते चपल सुख मतलब क्या है, जो चंचल सुख है, अभी थोड़ी समय के लिए सुख आ गया फिर दुख आ गया, थोड़ी देर सुख आ गया फिर दुख आ गया, फिर आते हो ये जगदानंद पंडित कह रहे हैं, ये चीज को समझो, कहते भैया संसार में तो सुख है, संसार में तो दुख तो है सुख है, लेकिन ये फिर सुख सुख कैसे है, ये सुख संसार में कैसे उदाहरण बन गया, पहले पहले क्या हो रहा था, दंड जने राजा जन नदी चुनाए, उदाहरण देते हैं, पहले पहले क्या होता था, अगर कोई बदमाशी काम करता, कोई दुष्ट काम कर रहे, राजा क्या करता था, उसको दंड देता था, बोले क्या दंड, बोले इसको पकड़ करके पानी में ले जाओ, और उसको चोटी पकड़ करके पानी में उसको डुबाना, पानी में उसको डुबो करके रखना, पानी में कितना समय रह सकता है डुबो करके, एक मिनट रखना पड़ा पड़ेगी दम घुट जाएगा है, जब वो छटपट छटपट करता था तभी उसको ऊपर उठने नहीं देता था, मतलब मरा 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 मरा, जब उसको प्राण केवल थोड़ी सी बाकी रह जाता था उसको फिर ऊपर उठा देता था, जब ऊपर उठाता था बोला हे भगवान बच गया बच गया बच जाता, लेकिन उसको ऊपर में क्यों उठाया, उसको जिंदा करने के लिए नहीं, फिर डुबाने के लिए, जानता है अगर थोड़ी समय और रखेगा ना तो मर जाएगा, श्वास घुटकर खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ी इसलिए ऊपर उठा दिया फिर चले जाए फिर उसको डुबा दिया। फिर उसी तरह संसार में जो माया है ना, कभी कभी थोड़ी थोड़ी आनंद भी दे देगा, बोले क्यों, बोले आनंद नहीं देगा पर दुख दुख दे देगा ना, अरे वो व्यक्ति कहकर सुसाइड कर लेगा, लास्ट में सुसाइड कर लेगा, प्राण को त्याग दे देगा, इसलिए ये माया क्या करती है, बीच बीच में ना बात, बच्चों ने पापा पापा मामा मामा मीठी मीठी बोली बोल दिया, पत्नी कोई थोड़ी मीठी बोल दिया, बस उसमें हम क्या होते हैं, भगवान भूल जाते हैं, फिर माया के संसार में हम डूब जाते हैं, डूब जाते हैं माया के संसार में। इसलिए यहाँ पर श्री सौभर ऋषि ने सोचा, भगवान मैंने कहा प्रभु की भक्ति रस में डूबना था, कहा संसार, इसलिए कहते उसको वैष्णव अपराध हो तो क्या करता है, वैष्णव अपराध से सर माया उसको घुमा फिरा करके ना संसार में लगा दे, जा जा करके देख ले हैं, कहते बिने बिना बिना बंधन के जंजीर, बिना बंधन के हाथ प्यार में ऐसे जंजीर बंधा हुआ, थोड़ी सी ठस ठस से मस नहीं हो सकते हो, लेकिन वृंदावन चलो, बोले समय कहाँ, अब किसने बांध करके नहीं रहता, अब किसने बांधा नहीं, लेकिन हम बंधे पड़े हुए, देखो कैसे उदाहरण दिया गोस्वामी तुलसीदास, दो उदाहरण देते हैं, देखो क्या उदाहरण दिया, बोले बंधी है मरकट कीट न्याय, संसार में कैसे बंधे हुए, चीज अच्छे तरह समझो, मेरे आपको पूछूंगा क्या समझो, जो व्यक्ति बंदर को पकड़ते हैं वो क्या करते हैं, बंदर को देख देख के ना दूर में
एक कलसी पर नीचे गाड़ देते हैं अच्छे तरह से, जैसे निकले नहीं, और उसका मुंह बहुत छोटा होता है, और वो बंदर को दिखा दिखा कर उसको एक फल डाल देते हैं, नहीं तो भाई आलू डाल देंगे। उसका मुंह उतना बड़ा जैसे बंदर का हाथ तो इसे चला जाएगा, लेकिन जब उसको पकड़ लेगा फल नहीं तो कोई आलू जो पकड़ लेगा हाथ ऐसे हो जाएगा, फिर जब निकालना चाहेगा निकलेगा नहीं। उसको दिखा दिखा करके उसको अंदर में फल नहीं तो भाई आलू डाल दिया, आलू डाल दिया तो बंदर ने दिखा रे इसको अंदर में आलू नहीं तो फल डाल कर गया। वो बहलिया जा करके पेड़ को पीछे छुप कर बैठता है, वो बंदर कूदता हुआ आएगा और बंदर हाथ घुसाएगा, घुसा करके जब उसको पकड़ लेगा ना हाथ हो गया ऐसे खुल गया, फिर जो निकालना चाहेगा और निकलेगा और हाथ नहीं निकलेगा, लेकिन उसको ऐसे लगेगा मानो अंदर से किसी ने मेरे हाथ को खींच कर रखा, लेकिन उसको कोई खींच कर नहीं रखा, उसको कोई खींच कर नहीं रखा, वो खुद आलू को पकड़ करके रखा, लेकिन लगता है जैसे अंदर से कोई पकड़ गया, करना शुरू कर देगा, वो वहां से भाग नहीं सकता है बंदर। फिर बेली आएगा, बास बेले में फांद लगा करके ले जाएगा बाजार में, डंडा मार मार कर बंदर नाचने चाहिए, इसको बंदर नाचने चाहिए। कहते हम भी ऐसे संसार में कोई बोलेगा नहीं अभी तो घर गृहस्थी छोड़ नहीं सकता है, अगर चले आऊंगा तो पत्नी क्या करेगी, बच्चे क्या करेंगे, परिवार क्या। बोले भैया कोई किसी तुमको पकड़ा नहीं, तुम खुद पकड़े हो, तुम खुद माया को पकड़ कर बैठे हो, माया तुम्हें अभी शरीर माला छूट जाए क्या संसार नहीं चलेगा, बढ़िया से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमें ऐसे लगता है नहीं ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये हो जाए, कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं, बढ़िया सा हो जाए। दूसरा उदाहरण दिया कीट, कीट मत तोता, जो तोते पकड़ते हैं कैसे पकड़ते हैं, वो ऐसे गोलाकार कैसे होता है और ऐसे होता है, उसको पतला बांस उसको ऊपर में जो बांस गोला है ना उसको जैसा ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना पंखा पंखा घुमाते हैं, ऐसे ही एक नली जैसे उसका अंदर में एक डंडा सा होता है और नली लगा हुआ होता है, और उसको ऊपर में ऐसे रख करके वहाँ पर एक कोई फल को रखा देते हैं, तोता क्या करेगा आकर बैठेगा, बैठ कर जब फल खाने के लिए जाएगा, लेकिन वो तो खोला है, वो पकड़ते ही क्या होता है वो झट पीछे घूम जाती है, घूमने पर वो तोता लटक जाता है, जब लटक जाता है उसको ऐसे महसूस होता है किसने मेरे को ना पकड़ लिया, लेकिन उसको कोई नहीं पकड़ा, वो उसको लगता है इसे मेरे को ही पकड़ लिया, फिर तो टेन 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 करना शुरू कर देता है, इतने बेहली आता है और पकड़ करके तोते को पिंजरा में बंद कर देता है। उसी तरह गोस्वामी जी कहते हैं सो माया बस भय गोसाई बंदी मरकट कीट नाई, जीव कौन है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जीव ईश्वर का अंश है पवित्र है अमल है सहज सुख राशि, सहज रूप में सुख का ढेर वहां पर है, लेकिन सो माया बस भय गोसाई बंदी मरकट कीट नाई, जो प्रभु की भक्ति करके आनंद रस में डूब सकता था वो कैसे बन गया बंदर और तोता जैसे बन गया, मेरे को संसार हाँ छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ये है वो है ये दिक्कत, भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु जी आए संसार कोई दिक्कत है, आनंद है, लेकिन हमने माया को पकड़ कर देखा, माया हमें नहीं पकड़ा, हम स्वयं माया को पकड़ करके बैठे हुए हैं, इसलिए मुक्त आकाश में हम घूम सकते हैं, लेकिन हाँ स्वयं माया को पकड़ कर रहे, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं वैष्णव अपराध होने से दंड किया संसार, दंड उसका संसार कोई की बोले कश्य का पुत्र पुत्रार्थ मोर ए वही कार, कौन किसका बेटा कौन किसका पत्नी कौन किसका, कोई किसका है ही नहीं, कमल दल जल जीवन टवर कोई किसका है नहीं, बोले कृपण दुर्जन जो संसार है ना, बोले कृपण कंजूसी दुर्जन दुष्ट, बोले क्यों, बोले जो अब तो प्रेम दिख रहा है ना, प्रेम नहीं दिख रहा है, छोटे आपके पास कुछ है माल है वो प्रेम नहीं अब तो माल है, जैसे उदाहरण गन्ने से जूस निकालते हैं ना, एक बार दे दिया जूस निकल गया
बोले और थोड़ी जूस है, डबल देकर कर देंगे। बोले और थोड़ा जूस है, अरे चार डबल करके देंगे। बोले और थोड़ी आठ डबल करके देंगे। फिर जब सब निकल जाएगा ना, फेंकेगा नहीं, फिर उससे फिर रोटी बनाएगा, उसको जला करके फिर खाना बनाएगा। ये संसार बड़ा विचित्र दुनिया है, संसार बड़ी विचित्र दुनिया है, हैं? इसलिए बोले कृपण दुर्जन संसार किया दस्यु, स्वजनाथ दस्यु, दस्यु दान किया। दस्यु क्या करता है, सब लूट पाट करके छीन कर तो दे दे, उसको छोड़ देता है। कभी ये भी संसार की दस्यु है, सारे लूट पाट करके ले लेंगे, जब कुछ रहेगा नहीं जला करके जा शमशान में ले जाएंगे, जला करके टाटी करते करते वापस आएंगे। इसलिए फिर जब इसकी वैष्णव अपराध होता है, जब इसकी उसका दंड करती संसार, तो माया की संसार उसकी दंड है। इसलिए यहाँ पर बताए कभी वैष्णव अपराध नहीं करनी चाहिए। गौर ब्रह्मानंद हरी हरि बहुत यहाँ पर बहुत कुछ बात बताए तब। हाँ और एक सुनो, असाधु के साधु ज्ञान, हाँ देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, बोले जो असाधु है उसको कभी कभी साधु ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन जो साधु के कभी असाधु ज्ञान कर लेते हैं। जो साधु नहीं असाधु, असाधु को साधु कर ये हरिनाम परायण निष्कपट कृष्ण भक्त के अनादर करिया कर्मी ज्ञानी योगी न्यासी प्रभृति अन्याभ्यास के साधु बलिया मन कर ले अपराध है। भगवान समझते ना एक को एक तो बुझते पारे कि बुझते बात से ना, इसमें कह रहे हैं कभी कभी जो हरिनाम करते हैं, हाँ? जो निष्कपट होकर के कृष्ण जो भक्त है, जो कृष्ण भक्त होते हैं ना बड़े दीनहीन होते हैं, दीनहीन होकर के जैसे गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, बोले ये दुनिया के लोग बड़े तंग करते हैं, इसलिए उन्होंने पायखान को अंदर दरवाजा बंद करके, हैं, जो पुराना पायखाना जो थे उसको व्यवहार नहीं करते, उसको अंदर में बैठ करके बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वो क्या करते थे, बोले लोग आकर तंग नहीं करते, चार तरफ में मछली का कांटा पीछा कर देते और बीच में बैठते थे। बोले क्यों, लोग ये समझे ये तो मछली खाने वाला बाबा शांत है, ये तो बाबा तो मछली खाता है, इसलिए मेरे पास में कोई आए नहीं। इसलिए श्रीला बंसीदास बाबा जी महाराज जो पागल दिख रहे थे, आप उनका तस्वीर देखोगे ना सुखदेव तो पागल है, लेकिन भगवान की परम भक्त है, भगवान की परम भक्त थे, हैं, चुपचाप रहते थे। इसलिए कभी कभी क्या होता है, जो हरिनाम परायण जो निष्कपट जो कृष्ण भक्त है, कभी कभी उनको भक्त बोल करके हमारा प्रतीत नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, यार क्या बैठे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति कर्मी ज्ञानी योगी बड़े बड़े जटाजूट रख करके योग साधन करता है, जटा हिलते ही आग निकलती है, हैं, और हाथ से उठाकर बबूत दे देते हैं, लो बबूत ले लो, ये समोसा खा लो, ये टिकिया खा लो, तुम्हारे खत्म हो जाएगा। फिर ये सब चीज में ना लोगों का ये सब चीज में बड़ी रुचि है, ये सब चीज में लोगों का बड़ी रुचि है, लेकिन जो शुद्ध भक्त रूप में भगवान के नाम पर आए हैं, जो साधु है ना, फिर इनको साधु बोल करके आदर नहीं करके ज्ञानी योगी भोगी लोगों को क्या करते हैं, जो अन्याभिलाषिता है, जो अन्याभिलाषिता जिनके हृदय में कृष्ण भक्ति की कोई अभिलाष नहीं, हम उसको साधु बोल देते, बड़ी अपराध, ये अपराध है। बोले जहाँ तेरे अंतर धर्म अर्थ ताप अष्ट सिद्धि मुक्ति पिपासा प्रवृत्ति कैतव आचे तहाँ तेरे सहित कैतव शून्य हरिनाम परायण साधु गणते सम्मान मन कर ले अपराध है। जो लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष अष्ट सिद्धि नवनिधि जो है, जो पानी के ऊपर चलता है, अगर कोई सुने बोले पानी के ऊपर चलता है जरा पृथ्वी का सारे लोग आ जाएंगे। एक व्यक्ति पानी के ऊपर में चला चल रहा था,
सारा दुनिया देखने के लिए आया। अरे एक साधु जो पानी के ऊपर चलता है, देर सारा दुनिया आ जाएगी देखने के लिए। जब देखने के लिए आए साधु पानी के ऊपर चलता है, तब वो साधु ने एक बार आए, बोले भैया तुमने कितना साल तपस्या की है? बोले 12 साल तक मैंने बैठने के तपस्या की। बोले किस लिए? बोले पानी के ऊपर चलने के लिए। बोले तुम्हें 2 पैसा देकर नाव में चल जाता हूँ। तुम जिसको 12 साल जब पानी के ऊपर में है चलने के लिए जो प्रैक्टिस किया, मैं तो 2 पैसा देकर उसको 2 पैसा देकर के नाव में पानी के ऊपर में चल जाता हूँ। तुम ये 2 पैसा में जो काम होता है, और तुमने 12 साल लगाया उसमें, तुमने 12 साल लगा दिया। इसलिए जितने रिद्धि सिद्धि वैभव ये सब चमत्कारिता है ना, लास्ट में वो कोई भक्ति में कोई काम में नहीं आता है। अंतिम समय में यही बोलेंगे, राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल व्यत्य है सब परिवार झूठा है। लास्ट में यही बोलते बोलते ले जाएंगे, बेटा जितने प्रभु का नाम तुमने जप किया है, हैं जितने भगवान की भक्ति किए वही जा रहे हैं। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए भगवान की भक्ति, ऐसे जो साधु लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनको तो साधु बोल कर पूजा नहीं करते हैं। पास थोड़ी सी कोई चुटकी देखा तो कोई गबूत ले आए, बोले अरे बाबा रे हैं बाबा रे चुटकी लगाते आम आ गया, चुटकी बजाती उसमें रसगुल्ला आ गया। हे तो बहुत बड़े साधु, शास्त्र कह रहे साधु बाधु का कोई लकड़ नहीं है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले अपिचेत सुदराचार भजंत मां अनन्य भाव साधु रेव समन्तव्य। कृष्ण स्वयं कहते हैं जो अनन्य रूप में मेरे चिंता मेरी भक्ति मेरी भजन मेरी भजन में डूबे रहते हैं वही साधु है। हनुमान जी क्या करते थे? कोई रिद्धि सिद्धि दिखाया करते थे, प्रभु की भक्ति प्रभु का नाम प्रभु की सेवा। तुलसीदास जी क्या करते थे? सूरदास जी क्या करते थे? मीराबाई क्या करती थी? ध्रुव प्रहलाद क्या क्या? कोई जो वो सिद्धि दिखाए थोड़ी है, वो तो प्रभु का नाम गुण लीला में ही डूबे रहते हैं, उसे संत कहते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को साधु नहीं मान करके जो हरिनाम परायण निष्कपट रूप में भक्ति करता है उनको सम्मान नहीं दे करके धर्म अर्थ काम अष्ट सिद्धि नवनिधि ऐसे व्यक्ति को आदर देना ही नाम अपराध है। नाम महिमा प्रचार काली साधु बड़े निंदा हरिनाम तो मन सच्चे रक्त करेगा। इसलिए जो साधु दिन भर भगवान के नाम कीर्तन प्रचार करते हैं भक्ति करते हैं, इसलिए उनकी निंदा करने पर ये जो नाम है कभी ये चीज़ को सहन नहीं कर सकता। इसलिए पहला नंबर ये है कभी भी साधु संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। इसलिए हमें पता रहना चाहिए साधु कहते हैं किसको, साधु का क्या डेफिनेशन है, ये भी हमें पता रहनी चाहिए, ये भी हमें पता रहनी चाहिए। अगर कोई सतपुरुष से साधु है भजन कर रहा है, अगर उसकी क्रिया में कभी अगर थोड़ी बहुत इधर उधर दिखाए ना दिखाई पड़ता है उसको निंदा नहीं करनी चाहिए। जो सतपुरुष से साधु हो जो हर संतों का नाम कीर्तन अगर कभी कभी थोड़ा इधर उधर दिखता है ना, हमें उस चीज़ को निंदा नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों? कृष्ण खुद कहते हैं कि प्रम भगवती धर्मात्मा सस्वच्छन्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानी न मैं भक्त का प्रवेश। भगवान खुद कहते हैं अपना भक्त के लिए कभी मेरे को जो भजन करता है, लेकिन अगर कभी थोड़ी माया में कहीं फंस गया भाई इधर उधर काम कर रहा है, अगर वो चीज़ के लिए वो अफसोस करते हैं ठाकुर जी मेरे से अपराध हो गया है, ठाकुर जी मेरे से गलती हो रही है, ठाकुर जी हमें माफ़ कर दो, ठाकुर जी अपराध दूर करो, ठाकुर जी कैसे मेरे हृदय से ये गलती जीत जाए, ऐसे जो साधु पश्चाताप करते हैं भगवान कहते हैं प्रभु भगवती धर्मात्मा जल्दी जल्दी फिर वो धर्मात्मा बन जाती है, फिर वो स्वस्वच्छन्ति निगच्छन्ति। इसलिए कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रवेश। इसलिए मेरे भक्तों का विनाश नहीं। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Gracias.